थे 4 बजे, अभी बज रहे हैं 6। मीटिंग के लिए बुला लिए भाई, मतलब वर्क फ्रॉम होम का ना यही है, घर पे नहीं हो पाता है भाई। कोई समझता क्यों नहीं है, घर पे नहीं हो सकता। हेडिंग अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है, क्योंकि यार ऑलरेडी काफी लेट हो चुके हैं। अब पता नहीं कैसा जर्नी होता है, ऑलरेडी अंधेरा हो रहा है, मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाऊंगी, तो गॉड नोज। सो वी आर स्टिल वेटिंग इनसाइड द कार। और हुआ ये कि हम लोग पहले 4 लोग जाने वाले थे, बट फिर मेरे दोनों भाई भी आ रहे हैं अब, और हमारे कार मतलब 5 सीटर है, 7 सीटर तो है नहीं। और अब क्या हो रहा है कि वो लोग दोनों बाइक से आएंगे और हम कार से जा रहे हैं, मतलब अलग अलग हो रहा है, यहाँ पे अलग चीज़ चल रही है। सो फाइनली वी हैव कितना लाल होगा भाई। हम यहाँ रुके थे क्योंकि प्रकृति की पुकार थी, नेचर्स कॉल थी, इसलिए हम रुके थे। और हमें काफ़ी अभी दूर जाना है। जो आपका मेन कंटेंट क्रिएटर है, मेरी बाकी बात है, अब आगे करते हैं। खराब हो गई, अभी हम लोग कुछ कुछ स्नैक्स के लिए आए हैं, कुछ कुछ खा लेंगे अगर हो पाएगा तो, और उसके बाद फिर हम लोग, क्योंकि वहाँ इतना रात हो गया, जाकर क्या खाएंगे अब घर पे, तो बाहर से कुछ कुछ पैक करा ले रहे हैं। उसके बाद फिर मेरे भाई भी आ रहे हैं, तो मेरे भाई मिल गए हैं, हम लोगों को ज्वाइन कर चुके हैं। और ये कोई छोटा सा कुछ शॉप है, वहाँ से हम लोग कुछ खाने के लिए सामान खरीदेंगे, समोसा या फिर कुछ भी स्नैक्स जैसा कुछ। ये रहा, तो कैसा लग रहा है ठंड में बाइक में सफर करने में? इतनी रात में बहुत पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है सर, पता रहोगे, भीग चुके हैं एकदम पसीना से, क्या बोले। ग्लैमर को आने दो, ग्लैमर देखो मेरे में भी ग्लैमर आएगा, अब बोलो इज दिस ग्लैमर। थके हुए लग रहे हैं ना, समोसा खाने पापा ऑफर कर रहे हैं। हाँ मैं एक एक समोसा, चटनी भी खाई हो रहा है, थोड़ा नहीं है, तो मैं जा रही हूं समोसा खाने के लिए और चाय पियेंगे, काफी ठंड है तो चाय तो बनता है भाई ठंड में। हम लोग सर चाय पियेंगे और समोसा खाएंगे, नहीं चाय अभी पियेंगे। हम लोग का समोसा सेशन और लिट्टी सेशन ऑन है, ऑन है। मम्मी कार पे वेट कर रही है और मुझे नहीं लगता हम लोग 9 बजे के पहले पहुंचने वाले हैं। नाउ वी आर एक्चुअली इन आवर विलेज, अपने गांव पहुंच गई हूँ। हम लोग सब पहुंच गए हैं और मैं करीब 5 या 6 साल के बाद आ रही हूँ यहाँ पे, और काफ़ी कुछ चेंज हो गया है, बहुत पुराना सा हो गया है बिल्कुल। और क्योंकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है तो ये बिल्कुल फिर भी काफ़ी सही कंडीशन में है। लेट मी शो यू वन थिंग, लुक एट दिस, दिस इज़ अ छोटा सा टीवी, एंड इसे मैं बचपन में देखती थी, जब मैं बहुत छोटी थी मुझे याद आता है तब मैं देखा करती थी, और उसके बाद से ये कभी खुला नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है यहाँ पे, जस्ट कि हाँ एक मेमोरी के लिए, क्योंकि अब काम नहीं करता है। और अभी हम लोग गांव पहुँच गए हैं सब लोग, और अभी कभी बस विज़िट करने आया था मम्मी पापा लोग, और फिर भी काफ़ी सही कंडीशन में है घर। मैं तो डायरेक्ट पाँच या छः साल के बाद देख रही हूँ, और काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील होता है, क्योंकि बचपन में यहाँ बचपन में छुट्टियाँ बिताया करते थे, तो सही लग रहा है। अभी कल देखते हैं, कल थोड़ा एक्सप्लोर करूंगी गांव को, क्योंकि मैं हमेशा घर में ही रहती थी, जब भी बातें थी घर में रहती थी, अब समझ आता है कि हाँ थोड़ा बाहर भी देखना चाहिए, चीज़ों को समझना चाहिए। और तो कैसा लग रहा है? हम
नॉर्मल लग रहा है। हाँ ये बीच बीच में आया है, बट मेरा ही केस था कि मैं टेंथ के बाद बाहर चली गई थी तो नॉस्टैल्जिक सा फील आ रहा है, काफी नॉस्टैल्जिक लग रहा है। हम लोग फिर अब कल मिलते हैं, हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर में। तो कब? टुमारो। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। मिलते हैं, अभी हम लोग जाएंगे सोने, बेड वेड लगा कर सब कुछ एडजस्ट करके, और काफी कुछ यहाँ पे अव्यवस्थित है, तो हम लोग कल मिलते हैं। और कल मैं देखती हूँ, पूरे गांव को एक्सप्लोर करूंगी, देखूंगी। हम बोल रहे हैं ना कि खाना ले आते, इतना समय क्या होगा बाहर से? ये लेडी बग में क्या होगा? लेडी बग ग्रास ओवर में क्या होगा? बकवास है एक्चुअली। लेडी बग, जो भी लेडी बग, जो भी नाम है इसका, था टेस्टी। आज पहली बार इतना लंबा गाड़ी चला है, मजा आ गया। इन लोगों को बस यही है, इन लोगों को बाइक दे दो और बोलो बस ड्राइव करने के लिए, इन लोगों को अलग खुशी मिलती है भाई, बाइक चलाने में अलग खुशी है। तो हम लोग ठीक है, फैलने दो काजल, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आए हैं ऊपर, हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग ऊपर ही सोएंगे क्योंकि नीचे नेटवर्क का बहुत इशू है। और ये लोग मेरे साथ ही ऊपर साफ करेंगे कमरा, क्योंकि बहुत गंदा है ये ऊपर। करेंगे इसके साथ नहीं, सिर्फ हम लोग करेंगे, सिर्फ हम दोनों। वो काश मैं आपको दिखा पाती कि कौन साफ करता है, क्योंकि अभी मैं टाइमलेस पे रिकॉर्डिंग करूंगा, वो मैं डालने वाली नहीं हूँ। यू नो व्हाट आई नो। और इसको देखो, ये मेरा खुद का पर्सनल इग्लू है। हैकर लग रहे हो। तो मैं आपको अपना पूरा गांव दिखाऊंगी कल, और मैं अपना गांव को पहली बार अच्छे से देखूंगी क्योंकि मैं हमेशा घर में रहती थी, पहली बार मैं अपने खेत खलिहान जो भी होते हैं सब घूमूंगी। तो मिलते हैं कल सुबह, विच इज सैटरडे, एंड टिल देन गुड नाइट।